हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और गॉस लॉ। क्लियर? तो इस आर्टिकल से पहले, इस वीडियो से पहले आप वो जाके देख लें और उसका एप्लीकेशन हम लोग आज यूज़ करेंगे। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद गॉस लॉ, गॉस लॉस एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। ओके, तो लेट अस सपोज, मान लेते हैं हम लोग हमारे पास एक शीट है, कुछ इस तरह की शीट। और इस शीट के ऊपर चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, नेगेटिव भी ले लेंगे तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो ये शीट है हमारे पास, इसका एरिया है हमारे पास ए, तो एरिया इज इक्वल टू कैपिटल ए। क्लियर? और इसके ऊपर चार्ज देते हैं तो डेंसिटी जो है हमारे पास, वो तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास सिग्मा है। और इस शीट की वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर? तो जब किसी शीट को अगर हम लोग चार्ज देते हैं तो चार्ज इक्वली दोनों शीट की तरफ फैल जाता है, यूनिफॉर्मली फैल जाता है, शीट की इस तरफ भी और शीट के उस तरफ भी। क्लियर? तो जब शीट के दोनों तरफ चार्ज फैल जाता है तो इससे चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगा। तो लेट अस सपोज हम लोग एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि शीट के इस तरफ भी है और इस तरफ भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा। क्लियर? इन दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर? तो हम लोग ऐसे ही जानते हैं, एज चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, टोटल चार्ज बाय एरिया। एंड इस शीट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए, ये तो इस तरफ से हो गया, इस तरफ से फाई इज इक्वल टू ई ए इस तरफ फ्लक्स। लेकिन शीट के इस तरफ भी होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या होगा, नेगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एरिया ना, एरिया वेक्टर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई ए। तो ये हो गया हमारे पास फाई इज इक्वल टू, चलो टू ई ए। क्लियर? बट फ्रॉम गॉस लॉ हम लोग जानते हैं लॉ, फाई इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड हो गया। तो इक्वेशन एंड वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। क्लियर? इक्वेशन वन एंड टू से क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन एंड टू से इन दोनों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होना चाहिए। तो टू ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट्स इम्प्लाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कट गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट्स इम्प्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। क्लियर? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज शीट की वजह से। तो फटाफट एक बार और देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट की बात करनी है। तो लेट अस सपोज, मान लेते हैं ये हमारे पास एक शीट है, है ना, इस शीट के ऊपर चार्ज देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इस शीट के दोनों तरफ फैल जाएगा, इस तरफ भी आ जाएगा और दूसरी तरफ भी आ जाएगा। क्लियर? तो
तो दोनों तरफ चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगा, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज है। ठीक है, तो इस तरफ मान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, और इस तरफ मान लेते हैं माइनस ई ए, तो एरिया वेक्टर के अपोजिट है इसलिए माइनस ई ए है ना, बेसिकली तो प्लस ही होगा। तो अब इस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्यू बाई ए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई ए प्लस ई ए इस तरफ का और इस तरफ का। क्लियर, तो टोटल टू ई ए। क्लियर, बट फ्रॉम गॉस लॉ है ना, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू को लिख सकते हैं हम लोग चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन वन और टू क्या है, बराबर एक जैसे, तो इक्वेशन वन एंड टू को इक्वेट किए। ठीक है, तो इस टू ए को डिनोमिनेटर भेजे तो ए से ए कटा, और ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। इस चीज़ में ध्यान रखना क्या, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए बाहर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो अंदर की तरफ होता। क्लियर, बस इस दो चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए एक एप्लीकेशन देखते हैं इसका, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स में जो हम लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन उसको देखते हैं। ओके, तो है हमारे पास फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट सेकेंड थर्ड जोन। क्लियर, तो लेट अस सपोज हमारे पास एक ये शीट है, दूसरी शीट ये है ना, इसको मान लेते हैं हम लोग x, इसको मान लेते हैं y। क्लियर, तो ये दो शीट है हमारे पास x एंड y, इन दोनों शीट को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, इसको पॉजिटिव दे देते हैं, इसको भी पॉजिटिव दे देते हैं। क्लियर, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 है और इसका है सिग्मा 2। क्लियर, तो बताना है हम लोगों को कि इस जगह पे और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। क्लियर, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस जोन वन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन किस तरफ होगा, इस तरफ, और ई टू वो भी इस तरफ होगा। क्लियर, ई टू तो ये भी इस तरफ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई टोटल इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू। क्लियर, दोनों ऐड हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E1 की तरफ से, और इस तरफ क्या होगा, E2 की तरफ से, है ना। तो दोनों को देख लेते हैं, फर्स्ट वाले में क्या होगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E टोटल। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा 1 प्लस 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E टोटल, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया ना इससे पहले शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, सेकंड जोन में देखते हैं, इस वाले में एक दूसरे के अपोजिट है, फर्स्ट वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, सेकंड वाले का इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, सेकंड जोन में ई टोटल इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। देखना है इसमें ध्यान रखना, जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें से छोटे वाला माइनस होगा। क्लियर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, E total is equal to sigma 2 minus 2 upon 2 epsilon naught. ये हो गया इस जोन 2 में, इसमें। क्लियर, अब थर्ड में आ जाते हैं, थर्ड में फर्स्ट की वजह से क्या होगा, आउटवर्ड, सेकेंड की वजह से भी क्या होगा, आउटवर्ड, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो E total किसके बराबर होगा, E1 plus E2। क्लियर, तो therefore थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, E total इज इक्वल टू E1 प्लस
ई टू, तो वन प्लस टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई टोटल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेकेंड, इसको ई फर्स्ट भी लिख सकते हैं और ई थर्ड भी कर सकते हैं, क्लियर। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू शीट, है ना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए, क्लियर, तो अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए तो चलिए एक शीट बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाए, ये एक्स है, ये वाई है हमारे पास, तो अगर यहाँ पर नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव ही रहे तो फिर क्या होगा, तो फिर वही इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू चार्ज डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा ई वन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ई टू, इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई वन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई टू, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, इस तरफ ई टू आउटवर्ड है पॉजिटिव और ई नेगेटिव है तो ई वन, क्लियर। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों माइनस हो जाएंगे, बस सिंपल सी बातें होंगी ऐसी, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।